लोकतंत्र के महापर्व में हर मतदाता के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को धर्मशाला की एसडीएम शिल्पा वेक्टा ने पोलिंग टीम के साथ लोगों के घर में जाकर 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों से मतदान करवाया। एसडीएम शिल्पा वेक्टा ने बताया कि जिला कांगड़ा में कुल 29,246 मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से वोट करेंगे, जिनमें 80 साल से अधिक आयु वाले 5,606 वरिष्ठ मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता और आवश्यक सेवाओं के मतदाता 459, जबकि सर्विस वोटर्स की संख्या 21,768 है। धर्मशाला में कुल 643 इस तरह के वोटर हैं, जिनमें 523 सीनियर सिटीजन और 110 दिव्यांग जनों की आग्रह उनके पास आई है। आज सबसे पहला वोट 13 नंबर पोलिंग स्टेशन से शुरू किया है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि उनकी 8 टीमें इसी तरह से आने वाले समय में काम करेंगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे पास गाइडलाइंस आई थी, उसमें बहुत क्लियरली बताया गया था 80+ और जो हमारे फिजिकली डिसेबिलिटी जो 40% एंड अबव है लोगों में, उनको घर घर जाके मतदान करवाना है। तो उस सिलसिले में हमने फॉर्म 12D सबसे भरवाए थे, तो आज वो चरण हम शुरू कर रहे हैं। 3 तारीख से 11 तारीख तक हमारी पार्टीज लोगों के घर घर जाकर पोस्टल बैलेट्स पे मतदान करवाएंगे। धर्मशाला में हमारे पास कुल मिलाकर 533 इस तरह के वोटर्स हैं, 523 हमारे पास सीनियर सिटीजन्स और 110 हमारे पास जो दिव्यांग जन हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है। आज सबसे पहला वोट हमने 13 जो हमारा नंबर का पोलिंग स्टेशन है वहाँ से स्टार्ट किया है। तो अब उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो बाकी 8 टीम्स हैं वो भी इसी तरह से कर रही होंगी। उपायुक्त महोदय और हमारे जनरल ऑब्जर्वर महोदय भी औचक निरीक्षण पर हैं और हम भी औचक निरीक्षण पर जाकर एक एक चीज़ को देखेंगे।